में सट्टेबाजी पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपए के साथ 9 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। 10 से 15 करोड़ रुपए बरामद भी हुए हैं। रुपए गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी है। आईपीएल मैच में सट्टा लगाते सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। कृष्णा विहार के पास मुसद्दीपुरा में छापा मारा गया और बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर जो है सट्टा चल रहा था, जिसके बाद विदेशी करेंसी भी है इसमें। विदेशी करेंसी इसके साथ साथ इंडियन रुपी भी मौजूद है। कई करोड़ रुपए मिले हैं। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग प्लीज। उधर इस मामले पर सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस के नेता सटोरिये का संबंध बीजेपी के कई नेताओं से होने की बात कह रहे हैं, साथ ही नाम सामने लाने की मांग की गई है। तो उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा, कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते जमकर भ्रष्टाचार हुआ था और कई अधिकारी और करीबी लोगों के पास से काली कमाई जब्त की गई थी। जो पीयूष चोपड़ा है ये बिल्डर भी है, पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और ये भी जानकारी मिली है कि इसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संबंध है। वो जानकारी पब्लिक को जानना पब्लिक का राइट है। ये भी जानकारी दी जाए कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस बिल्डर्स के पार्टनर हैं और जिनके गहरे संबंध इस सटोरिये से हैं, जिसके कारण इतने वर्षों तक खुलेआम ये सट्टा खिलाया जाता रहा। कांग्रेस के ये आरोप प्रत्यारोप उतने ही निराधार और झूठे हैं जितने की कांग्रेस पार्टी निराधार और झूठी है। पहले तो मुझे कांग्रेस के नेता जवाब दें कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, मात्र 15 महीने की सरकार 2018 में, तो किन किन के घर उनके ओएसडी के घर छापे पड़े थे, कितने करोड़ों का कैश उन ओएसडी के घर मिला था, पहले ये उस पे जवाब दें। विधानसभा को लूट का अड्डा बना के छोड़ा था कांग्रेस ने मात्र 15 महीने में, पहले ये उस पे जवाब दें। ये जिस राहुल गांधी की यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से निकली है, वहां पे किन किन के घर छापे पड़े हैं, कितने करोड़ों रुपए की बरामदी हुई है, उस पे जवाब दें। रही बात आज भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी। तो शराब घोटाला में अनवर ढेबर को जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें बेल दी है। रायपुर सेंट्रल जेल में अनवर ढेबर बंद है और इस पूरे मामले में, शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को जमानत मिली है। बलौदाबाजार हिंसा का मामला, जहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने संज्ञान लिया है। बलौदाबाजार में हुई हिंसा पर संज्ञान लिया गया है। पीड़ितों को क्षतिपूर्ति और राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार को निर्देश दिया गया है और प्रभावित क्षेत्र में विधिक सहायता क्लिनिक संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। जले वाहनों के बीमा भुगतान के लिए समन्वय बीमा लोकपाल की भी सहायता ली जाए। घायल लोगों को निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए गए हैं। आग में जले दस्तावेजों के पुनः निर्मित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बलौदाबाजार की घटना की जांच के लिए बीजेपी ने एक समिति बनाई, जिसके संयोजन मंत्री दयाल दास बघेल को बनाया गया है। समिति में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित 5 सदस्य हैं। मंत्री टंकराम शिवरतन शर्मा, नवीन मार्कंडे, रंजना साहू को समिति का सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी 7 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जिसने बलौदाबाजार का दौरा भी किया था। और इधर बलौदाबाजार की घटना को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। गृह मंत्री होने के बाद भी मैं इस बात को कह रहा हूं, कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है, दोनों को सस्पेंड किया गया है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्था पर इस घटना के बाद सवाल उठना लाजिमी है, मैं गृह मंत्री होने के बाद भी इस बात को कह रहा हूं। और ऐसे नहीं पूरे ही जिलों में, क्या इसके संदर्भ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, इस पर भी काम हो रहा है और शीघ्र ही उसको सभी जिलों में लागू किया जाए। सभी पहलुओं पर जांच करना है,
क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, समाज का विषय है नहीं। समाज के लोग प्रतिदिन, प्रमुख लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आकर के स्पष्ट कर रहे हैं कि समाज का कोई विषय नहीं है, समाज तो संतुष्ट है और समाज का सब कुछ कहना है। असामाजिक लोगों ने किया है, अब ये कैसे हुआ, क्या बताना चाहते हैं करके बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर जानकारी होनी चाहिए। सूरजपुर में स्वास्थ्य विभाग का जांच अभियान जारी है, मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों की जांच चल रही है। अभियान के लिए संयुक्त टीम बनी है, 6 मेडिकल स्टोर्स पर संयुक्त टीम ने जांच अभियान चलाया है। अवैध क्लिनिक संचालित करने का आरोप भी है, संचालक के खिलाफ नोटिस जारी किया गया, CMHO के निर्देश पर अभियान चलाया गया है। और अब बात करेंगे शहडोल की, जहां नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से एम्बुलेंस में नशीली दवाइयों की तस्करी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। सीएम साय आज भी विभागों की समीक्षा करेंगे। 3 दिवसीय विभागों की समीक्षा बैठक आज अंतिम दिन है और आज PHE सहित गृह एवं जेल विभाग की समीक्षा करेंगे। PHE मंत्री अरुण साव और गृह एवं जेल मंत्री विजय शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। दुरुस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता पर भी चर्चा होगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से चर्चा होगी। अधिकारियों को बैठक में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अंबिकापुर में 2 गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं और मारपीट में 6 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर है। मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है। दरीमा थाना क्षेत्र के पर्री गांव की घटना है और 6 के घायल होने की खबर है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जमीन विवाद में मारपीट का यह मामला, लाठी डंडे चले हैं जमकर। वहां मौजूद किसी ने ये वीडियो बना लिया और काफी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, जमीन का विवाद है और लाठी डंडे दो पक्षों के बीच जमकर चले। इस बीच मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के एटॉप हिल इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। वहां के कमला नगर इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 के अंदर ही फंसे होने की आशंका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और देखिए, सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है, सब कुछ जमींदोज हो चुका है और किस तरीके से 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी है, 2 लोगों की मौत इसमें। हालांकि कितने लोग दबे हुए हैं यह अभी तक जानकारी नहीं मिली है। इसके लिए सर्च चल रहा है, सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं। मौके पर किसी भी आपात स्थिति में एंटॉप हिल इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है।